और गलत फहमी आप लोगों की एनिमेशन मूवीज और सीरीज को लेकर, तो ये वेब सीरीज आप लोग देख लो, आपकी जो गलत फहमी एनिमेशन को लेकर वो दूर हो जाएगी। दोस्तों आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट में, मैं हूँ राज। हम लोग बात करेंगे लव डेथ प्लस रोबोट्स के बारे में। तो हालांकि इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना थी, वो काफी महीने पहले जब ये रिलीज हुई थी नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में, लेकिन अभी फाइनली नेटफ्लिक्स पर ये हिंदी में अवेलेबल है। तो जो दोस्त मेरे उस वक्त उसे नहीं देख पाए थे, मैं उन लोगों को इतना बोलूंगा यार भाई इस वेब सीरीज को आप हिंदी में जरूर देखें, क्योंकि अगर आप लोग सोचते हो कि एनिमेशन मूवी है 3D एनिमेशन या CGI वाली बचकानी लोग के लिए होती, बच्चे लोगों के लिए होती है, तो ये आप लोगों की गलत फहमी है। ये वेब सीरीज देखने के बाद आपका सारा जो भ्रम है, जो जो आप लोग सोचते थे कि यार एनिमेशन सिर्फ बच्चों लोग के लिए होता, तो वो बिल्कुल खत्म हो जाए, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा एडल्ट लोग के लिए एनिमेशन या लाइव एक्शन या 3D एनिमेशन या बेहतर CGI जो आपको बोल सकते हो आप बोल सकते हो। क्योंकि इस वेब सीरीज की बात करूं तो भाई इसमें 18 एपिसोड है और तमाम हर एक एपिसोड लगभग 17-8 कुछ 10 मिनट के, कुछ 12 मिनट के, कुछ 6 मिनट के ऐसे एपिसोड है। और इसमें तकरीबन हर एपिसोड में अलग अलग कहानी बताएगी। कुछ आपको एपिसोड गेमिंग, हाईटेक गेमिंग वाले एनिमेशन के थ्रू, जैसे कि आप पबजी बोलते हो ना, तो पबजी में किस तरीके से ग्राफिक्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके, उससे भी ज्यादा बेहतर। पबजी तो कुछ भी नहीं उसके सामने, जितने जो हाईटेक ग्राफिक्स इसमें यूज किए गए ना, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। प्लस उसके थ्रू वो लोग जो कहानी बताना चाह रहे हैं, यानी कि 17 मिनट में या 10 मिनट में या 8 मिनट में जो वो लोग कहानी बताना चाह रहे हैं वो बता रहे हैं, और आप लोग का मुंह खुला का खुला रह जाएगा जब आप लोग पूरे 18 एपिसोड देखो, क्योंकि हर एक एपिसोड में आपको अलग अलग कहानी देखने मिलेगी, लेकिन एक अच्छा मैसेज देखने को मिलेगा। जैसे कि कुछ मैसेज जैसे ऐसे है कि कहीं ना कहीं इंसान अपने आप को खत्म कर रहे हैं, चाहे वो मशीनों का यूज करके, चाहे टेक्नोलॉजी का गलत फायदा उठाकर। आपको हर तरीके की चीजें देखने को मिलेगी, चाहे वो हॉरर हो, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे वो फैंटेसी हो, चाहे वो मतलब कॉमेडी हो, मतलब जो कुछ आपको देखना है वो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। प्लस इसके अलावा इस शो में जो खास बात मुझे लगी वो है बेटर CGI वर्क। देखकर तो कहीं कहीं मैं यकीन नहीं हो रहा था कि ये रियल है कि ये CGI, मतलब एक रियलिटी और फेक में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। कितने 8 मिनट में जो वो बताना चाह रहे वो कहानी बता रहे, और हर एक कहानी में एक हिडन मैसेज छुपा हो। कुछ कहानी के लिए तो सिंपल सा मैसेज समझ में आता है, लेकिन कुछ कुछ कहानी आप लोगों के सर के ऊपर से बाउंसर हो जाएगी। जैसे कि एक योगर्ट वाली जो दही वाली कहानी है भाई, वो बहुत ही छोटा एपिसोड है, लेकिन वो कहानी मतलब जिसने भी वो लिखा है ना भाई, बहुत आगे का सोच के, मतलब एकदम फ्यूचरिस्टिक कहानी मुझे पर्सनली लगी है। तो कुल मिलाकर ये पूरे के पूरे शो काफी अच्छे है, इम्प्रेसिव है, और मुझे पर्सनली स्टार्ट से एंड तक काफी इंटरेस्टेड लगे। हर एक शो मुझे काफी इंटरेस्टेड लगा, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग भी ये वेब सीरीज देखो तो आपको कहीं से भी बोर नहीं लगेगी, क्योंकि मेरे पर्सनली तो इसमें 4-5 यानी उससे ज्यादा एपिसोड है, 4-5 तो मैंने आपको रैंडमली बता दी, लेकिन उससे ज्यादा 18 में से लगभग आधे से आधा एपिसोड मुझे पर्सनली अच्छे लगे। फॉर एग्जाम्पल शेप शिफ्टर, जिसमें हमें वेयरवुल्फ की कहानी दिखाई गई, यार तालिबान और अमेरिकन जो फौजी की जो लड़ाई थी, और उसमें जो CGI वर्क टेबल तोड़ जो बोल सकते हैं आप लोग उस तरीके का CGI वर्क था। उसके अलावा मुझे हेल्पिंग हैंड जो स्पेस वाला था वो अच्छा लगा, फिर एक दूसरा एक स्पेस वाला वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा, उसकी कहानी काफी एक रोचक इंटरेस्टिंग कहानी लगी। उसके अलावा मुझे वो जो डंप वाला एक जो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर जो एपिसोड बनाया वो एपिसोड अच्छा लगा, गुड हंटिंग वो एपिसोड अच्छा लगा यार। अब फर्स्ट एपिसोड तो मुझे फर्स्ट एपिसोड से ही मुझे इंटरेस्ट बैठा है इस वेब सीरीज के लिए, उसके बाद बैक टू बैक एक से बढ़कर एक एपिसोड, चाहे वो ड्रैकुला द ग्रेट ड्रैकुला, खून चूसने वाला सोल, सकर ऑफ सोल्स उस तरीके का कुछ नाम है उसका, वो एपिसोड बढ़िया लगा। तो यानी कि इसमें बहुत सारे एपिसोड यार, मतलब हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ इस वेब सीरीज में, और इस वेब सीरीज को देखने के बाद इतना ही बोलूंगा कि यार मेरी पर्सनली वन ऑफ दी 2019 की बेस्ट शोज नेटफ्लिक्स पर आने वालों में से ये एक है। और ये हिंदी में आने के बाद तो और सोने पे सुहागा हो गया, तो जो लोग इंग्लिश में देखना पसंद नहीं करते उन लोगों के लिए हिंदी में नेटफ्लिक्स पर आ चुका, तो यार मैं उतना ही रिकमेंड करूंगा भाई नेटफ्लिक्स पे जाओ, ये शो को देखो, आप लोग को जो माइंड में जो भी गलतफहमी होगी एनिमेशन को लेकर वो ये शो देखने के बाद हट जाएगी। और स्टोरी टेलिंग कोई हॉलीवुड वालों से सीखे यार, 8 मिनट में वो लोग को जो बताना वो बता रहे, बहुत बड़ी बात है। अब मुझे पर्सनली अच्छा लगा था यार, आप लोग भी जरूर देखेंगे मुझे पता है। तो यार इस वीडियो में इतना है, अगर आपको ये वेब सीरीज ऑलरेडी देख चुके तो आपको कौन सा एपिसोड पसंद आया मुझे जरूर बताना, और अगर आप देखना चाहते हो तो आप लोग देखने के बाद मुझे जरूर बताना कि भाई आपको क्या कुछ अच्छा लगा इस वेब सीरीज में। तो मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो का।